ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वत्कथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, 8 अगस्त को सावन का आखिरी सोमवार है और इस दिन सूर्य बुध मंगल और गुरु की युति से पंचग्रही योग बनने जा रहा है। साथ ही इस दिन देखिए शोभन हर्षण योग बना हुआ है, सौभाग्य योग बना हुआ है, जिसके कारण 7 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनको बहुत ही श्रेष्ठ संतान सुख के साथ साथ पुत्र प्राप्ति के योग बने हुए हैं और इनको ये योग देखिए दिसंबर तक बने हुए हैं। अगर आप गर्भवती हैं और आपकी डिलीवरी इन महीनों में होने वाली है तो आपको बहुत अधिक चांसेस है कि आपको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। जो भी दंपति देखिए संतान सुख की इच्छा रख रहे हैं तो इन महीनों में अवश्य ही कंसीव करें तो निश्चित ही आपको मन वांछित संतान सुख के योग बने हुए हैं। साथ ही दोस्तों, इस दिन सावन का आखिरी सोमवार है और पुत्रदा एकादशी है तो इस दिन भगवान शंकर का पूजन अवश्य करें, श्रीहरि भगवान का पूजन अवश्य करें और भगवान शंकर के आगे बैठकर एक माला का जाप ओम नमः शिवाय का करें और श्रीहरि भगवान के आगे यानी भगवान कृष्ण के आगे आपको एक घी का दीपक जलाकर 108 बार संतान गोपाल मंत्र का जाप करना है और इस दिन आप भोग भी अवश्य लगाएं। हो सके तो भगवान शंकर को केले का भोग लगाएं और श्रीहरि भगवान को भी आपको केले का भोग लगाना है, उस प्रसाद को अवश्य ग्रहण करना चाहिए। क्यों? पूजा करने के बाद आपको प्रसाद अवश्य ग्रहण करना चाहिए, इससे हमारे जीवन में चल रही परेशानियां दूर होती हैं। दोस्तों, आप जब भी मंदिर जाते हैं तो प्रसाद अवश्य ग्रहण करना चाहिए, प्रसाद की अवहेलना यानी प्रसाद को ठुकराना नहीं चाहिए, इससे हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां आ जाती हैं। साथ ही दोस्तों, इस दिन देखिए पंचग्रही योग बनने जा रहा है, सूर्य बुध शुक्र की युति से बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग बनने जा रहा है इन भाग्यशाली राशियों के लिए। दोस्तों, इन भाग्यशाली राशियों में सबसे पहली जो राशि है मेष, वृष, सिंह, कन्या, कर्क, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन, ये भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिन पर महादेव की कृपा होने वाली है और इस दिन ये उपाय अवश्य करें, निश्चित ही आपको शेष लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी को जय श्री